गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग हो चुकी है और आज है छुट्टी 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 के दिन ही वीडियो बन पाता है यार, नहीं तो ऐसे तो नशा करो, भागो, तैयार हो, भागो भागो, यही सब रहता है। तो चुकी हूँ मैं सो के और मैं उठी हूँ 7 ही बजे का, ऐसा मत सोचेगा कि अभी सो के उठ रही हूँ। तो अभी कुछ किया नहीं है यार, 7:30 बजे मम्मी का फ़ोन बज गया, नींद खुल गया तो जग गई। अब मम्मी यहाँ पे, मैंने बोला चलो कहीं चलते हैं, फटाफट खाना वाना बना ले, तो मम्मी देखे पता नहीं क्या है, ये भिंडी का क्या है, क्या है भिंडी का, क्या बना रही है भिंडी का, ये तो तू निमोना में भिंडी बनेबू? हरियर धनिया ना, हाँ ऐसे हाथ से ना निकाला जाला को। भिंडी भुजिया बना दू सब्जी, सब्जी आलू बाली रही, लिस करा लगी तू, ये चक्कर में डिश मत बना। अरे जा कुसुम ना पापा कर, देखते हैं कहाँ जाते हैं। पहले फटाफट कपड़े वो थोड़ा सा फोल्ड होल्ड कर ले, जिसको जिसको मिलते हैं आपसे ना दे हैं। एक रुपए रस्ता नहीं चला, अभी मसाला पका था तब रस्ता में, अभी ना दाग बसावा थे जहाँ कहाँ से गली। ये सब्जी बनाते हैं, बुलाए के बनावा बतावा थे कि आवा तनी दिखा दा, बहुत अच्छा दिखा था सब्जी, और थोड़ा सा सूट कर ला, बहुत अच्छा सब्जी दिखा था, मतलब आओ थोड़ा सा देख लो, वीडियो में दिखा दो, बहुत अच्छा सब्जी बना है। ये मत सोचेगा मैं सो के कुछ नहीं कर रही, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, फटाफट एडिटिंग आती। तो यहाँ पे मैं ब्रश करके आ चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा सा नाश्ता करेंगे इसलिए कि क्योंकि ऐसा होता है मेरा छुट्टी के दिन स्पेशली ऐसा होता है कि मेरी दवा ना, मतलब मैं 1 बजे खाती हूँ, 2 बजे खाती हूँ, ऐसा होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा नाश्ता करके तुरंत दवा खा लेते, क्योंकि यार देखो ब्लड थिनर की दवा है मेरी चलती है, जो आप लोगों को तो सब पता है मेरा। और कुछ चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगी मैं, स्पेशली कुछ कमेंट आ रखे हैं तो मुझे बनाना है उस पर। ब्लड थिनर की मैं दवा खाती हूँ, तो उसका ये है ना कि डेली तो ऑफिस जाना होता है, तो सुबह ना नाश्ते के साथ तुरंत दवा खा लो, सब कुछ सही है, टाइम टू टाइम दवा भी जाता है तो सही रहता है। तो छुट्टी के दिन ऐसा होता है कि मिस हो जाता है मेरा, 2 बज जाता है, 1 बज जाता है, तो मैं कोशिश करूँगी टाइम से चला जाए दवा। तो चलते हैं नाश्ता करते हैं, आमलेट बना रही हूँ, आमलेट बनेगा और आमलेट का और जूस, मैंगो जूस और आमलेट, ये मेरा नाश्ता रहेगा। मुझे पता था कि मम्मी सब्जी बना लेंगी तभी मेरा नाश्ता मिलेगा, क्योंकि सब्जी वब्जी बना रही थी तो उसमें आमलेट बनाना अजीब ही थोड़ा सा हो जाएगा। तो मैंने कहा फटाफट बिस्तर थोड़ा सही कर देती हूँ। तो हाँ, यहाँ पे ब्लैंकेट और ये एसी वाला ब्लैंकेट है, तो इसको मोड़ रही थी, ये मम्मी ओढ़ती हैं, और मोटा वाला तो अभी भी मैं ओढ़ रही कि जो कि गर्मी आ रखी है, रात में पंखा चला दो, मोटा वाला मैं ओढ़ के रखती हूँ, कभी फेंकती हूँ कभी ओढ़ती हूँ, यही चलता रहता है पूरी रात। तो गर्मी तो आ ही गई है लगभग, क्योंकि कपड़े जो पहनना होता है ना वो गर्मियों के कपड़े अब हम पहन के जा रहे हैं, स्वेटर मैं नहीं पहनती ऑफिस जाके जाते वक्त। तो यहाँ पे जूस मैं निकाल रही थी, मैंगो जूस, और यहाँ पे आमलेट, इसी का नाश्ता करने का मन था आज मेरा, क्योंकि डेली सेक अंडा सेक मतलब अजीब ही हो जाता है ना, मैं सैटरडे और ट्यूसडे छोड़ के बाकी और दिन खाती हूँ, क्योंकि वो हनुमान जी का दिन है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी और मम्मी मेरे से बातें कर रही थी, क्योंकि डेली ऐसा होता है कि आना जाना ऑफिस से, फिर जिम जाना, फिर खाना पीना, फिर सो जाना, ऐसे होता है तो टाइम ही नहीं मिलता, और थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं उसमें मोबाइल चला लेती हूँ। तो संडे एक ऐसा दिन होता है और छुट्टी का दिन एक ऐसा दिन होता है जब मम्मी बातें करती हैं कुछ चीज़ें, और गाँव में कैसा हाल चाल है, तो बड़ी मम्मी को भी फ़ोन लगाती हूँ और दीदी लोग से भी थोड़ी मोड़ी बातें हो जाती हैं। छुट्टी जिस दिन रहती है टाइम नहीं मिलता यार कि मैं किसी को फ़ोन करूँ या किसी का फ़ोन रिसीव कर पाऊँ, अधिकतर लोग फ़ोन करते हैं मैं नहीं रिसीव कर पाती,
क्योंकि कभी जिम में रहती हूँ और वो लोग करते हैं, तो कभी मैं ऑफिस में रहती हूँ, तो इस तरीके से नहीं हो पाता यार। पूरा मतलब बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए ना ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 1 साल का एक्सपीरियंस लेके और उसके बाद मैं आगे चेंज करूँगी जॉब, तो अच्छी सैलरी मिलेगी मुझे और भी। तो मैं यही सोच रही थी कि है चीज़ें कुछ, 1 साल 7 महीने तो हो ही गए मुझे जॉब करते हुए, अभी 4-5 महीने और हैं, तो कैसे भी निकल जाए, उसके बाद जॉब अपना चेंज करूँगी और इससे और अच्छा जॉब देखूँगी, क्योंकि एक्सपीरियंस होने के बाद अच्छी जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पे वही मम्मी से बातें बातें कर रही थी, और मैं रात में गई थी ना सब्जी लाने मम्मी के साथ, तो बिंदी का मेहंदी लाई थी एक, और ये शिवरात्रि के दिन गई 2 बिंदी का डिब्बा लाई थी। ये डिब्बे वाली जो बिंदी होती है ना बहुत अच्छी होती है, तो यही मैं लगा रही थी और देख रही थी कैसा लग रहा है। एकदम छोटी सी ला रखी थी और थोड़ा सा मेकअप कर आज लिया। सूट करूँ क्या, कुछ सूट करती हूँ। तो सूट करते करते फिर मैंने कहा साड़ी, मैंने ट्राई किया एक, फिर उसके बाद उसको रख दिया साड़ी को, और फिर मैं बाल बाल बांध के लगी सफाई फुआई करने। मैंने कहा झाड़ू वाड़ू कर देती हूँ, साफ़ सफाई कर देती हूँ, घर पे हूँ थोड़ा मम्मी को आराम मिल जाए। तो साफ़ सफाई करने लगी थी और मम्मी खाना बना रही थी। नाश्ता करने के बाद मैं सफाई वफाई में लग गई, थोड़ा सा अच्छे से साफ़ वाफ कर दूँ। नहीं तो पहले तो क्या था कि जब मम्मी नहीं थी तो संडे संडे मैं साफ़ करती थी, जब छुट्टी मिलता था तो पूरा टाइम ही घर को साफ़ सुथरा, कपड़े धुलने, इतने में ही चला जाता था टाइम। और मम्मी जब गर्मी में जाएंगी तो यार फिर वही हाल होने को है, बड़ा टेंशन हो रहा है। एक बार ना जिस चीज़ों में मैनेज कर लो ना, अगर वो कंटिन्यू चलता है ठीक है, लेकिन फिर एक बार अच्छे से अच्छी सुविधा मिल जाती है ना, जैसे मम्मी के हाथ का गरम गरम खाना पीना सब चीज़ें मिल जाती हैं, फिर ऐसे हो जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे झाड़ू कर लिया मैंने, अब पोछा लगा दूंगी, फिर नहाएंगे, फिर मंदिर जाएंगे। नहाने का टाइम हो गया, नहा लेती हूँ, मिलती हूँ आपको कुछ देर बाद। होली के एक दिन पहले का ये वीडियो है। तो मम्मी से मैंने बोला चलो कलर लेना है, मिठाई विठाई लेना है, फल फ्रूट लेना है, तो मम्मी बोली हाँ लेना है। तो यहाँ पे आ गए थे मंडी में और यहाँ पे सारे फल वल लगे हुए थे, कलर तो जो लेना था मम्मी ली, और उसके बाद हम लोग गए थे मिठाई की दुकान पे, मिठाई पैक करवाया, देन घर चले आए। मिठाई चढ़ाने के लिए भगवान को चाहिए था। आज है होली, हैप्पी होली एवरीवन। रात को मैं विश कर रही हूँ, शायद ये वीडियो कल जाएगा। तो कुछ खास मनाया नहीं क्योंकि छुट्टी थी ऑफिस की, और फिर घर में मेरे को तो रेस्ट मिलता है तो मैं कहीं नहीं जाती, छुट्टी रहता है, मैं घर पे ही आराम करती रहती हूँ, या फिर कहीं जाना होता है तो थोड़ा घूमने फिरने निकल जाती। जैसे कि आज पता है कि होली है तो मैं कहीं बाहर निकली नहीं, बस अपना नहाई धोई पड़ी थी, और मम्मी कटहल की सब्जी बनाई थी। ये देखो टीका का हैप्पी लगा के, हैप्पी होली, होली। देखा हैप्पी होली। और मम्मी के लिए हम, मम्मी बोल रही है अब तुम खाओगी नहीं क्या, परस मिठाई लाए, मम्मी के लिए मिठाई लाए थे ये वाला, अपने लिए पेठा लाए क्योंकि पेठा खा सकते हैं, इस मिठाई में से एक मिठाई में खा सकती हूँ। एक गुजिया भी डलवा दिया है मम्मी के लिए, हम कहे तुम्हारे लिए खा गुजिया, मम्मी कह रही है तुम खाती तो बनाते, गुजिया खाना है नहीं तुमको, तो भगवान को बस भोग लगा है बालाजी को, और थोड़ा बहुत टीका उका लगाया, मम्मी ने लगाया था, बस यही सिंपल सी होली। गांव में रहते तो थोड़ा होली मनाते भी, गांव में भी ऐसे बहुत रंग खेलने वाला होली बहुत नहीं मनाते थे, और बल्कि यार लग रहा है ऑफिस जाते थे ठीक था, जिम
अभी मैं ऐसे सोई 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 सर, अब हाथ पर दर्द कर रहा है मेरा। बनाई है कटहल की सब्जी, दिन में बनाई है, रात में भी बचा है तो कटहल खाएंगे और सो जाएंगे। कटहल चावल और दही, तो यही है। और कल फिर ऑफिस है, यही काम है और पूरी कुछ बनाई, नहीं। गुलगुला बनाई, पूड़ी बनाई, गुलगुला बनाई, कटहल का सब्जी। ना स्पेशली मत बनाओ करा, हम ना खाए, हम ना खाए इतना, मैं ना खाए हूँ। और एक जवन ही खाई है वह हम और खाए। हाँ, हमें तो ग्लूटन फ्री खाए के हाथ हो के खा, ग्लूटन फ्री खाए है, ग्लूटन फ्री ही हो गए, ग्लूटन फ्री। इस तरीके से कुछ सिंपल सी होली गई है। वैसे भी गांव में भी कोई खास हम होली नहीं मनाते थे, घर में ही रहते थे। हाँ, मेरी बगल की एक फ्रेंड है ना, आती थी जूही, बस वही कलर वलर शाम को लगाने या सुबह, तो उनके घर जाते थे, थोड़ा बहुत खेल लेते थे, नहीं तो कॉल पे बात की, वीडियो कॉल उनसे, बस बड़ी मम्मी से बात हो गई, बस हो गया होली। अब सुबह ऑफिस जाना है। जीजी से ना बात, हाँ, दीदी जीजा सबसे बात हो, जीजी खाएंगे पियेंगे, टाइम से सो जाएंगे ताकि कल ऑफिस जा सके। तो बस यही है, चलो यहीं पे वीडियो का इन करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें। वैसे भी मैं हमेशा से ऐसी पर्सन रही हूँ कि होली वोली इंजॉय करने वाली एकदम नहीं रही, अपने घर में शांति से पड़ी रहती। यहाँ पे भी वही किया मैंने, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।